सो आज हमारा फर्स्ट डे है जैसलमेर में और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम 3 से 4 प्लेसेस जैसलमेर की घूमते हुए फिर आज शाम तक डेजर्ट कैंप्स की तरफ जाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं बड़ा बाग की ओर। सो गाइज वी आर गोइंग टू बड़ा बाग नाउ विच इज अराउंड 6 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। बड़ा बाग की ओर जाते हुए हमें रास्ते में बहुत सारी विंडमिल्स दिखी। विंडमिल्स सिर्फ आपको जैसलमेर में ही दिखेंगी, राजस्थान में बहुत ही हार्ट कैप्चरिंग व्यू है विंडमिल्स देखकर, मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे आप रुक के पिक्चर्स भी क्लिक कर आ सकते हैं, वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं अपनी। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे पूरे रास्ते पे आपको सिर्फ विंडमिल्स ही दिखेंगी जो बड़ी अच्छी सी लग रही हैं। आज आई डोंट नो व्हाई व्हाट इज द रीजन विंडमिल्स घूम क्यों नहीं रही हैं, बट फिर भी देखने में व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। बड़ा बाग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट जो है वो मिलेगी। सो आपको टिकट लेके ही बड़ा बाग पे एंट्री मिलेगी। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर बड़ा बाग। बड़ा बाग मीन्स द ग्रैंड गार्डन। बड़ा मीन्स ग्रैंड, सो इट इज सिचुएटेड ऑन अ स्मॉल हिल एंड इट इज अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम जैसलमेर सिटी। इट हैज रॉयल छत्रीज एंड सेनोटेफ्स कंस्ट्रक्टेड बाय द महाराजा ऑफ जैसलमेर इन 18th एंड 19th सेंचुरी। दीज आर कार्व्ड आउट ऑफ सैंडस्टोन्स। सेनोटेफ्स जो है वो एक एंटी टॉम्ब होता है, एक मॉन्यूमेंट होता है जो कि ऑनर में बनाया जाता है कुछ लोगों के जो कि दे आर हु आर मैरिड समवेयर एल्स। टावरिंग विंडमिल्स यहाँ की ब्यूटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। सो अगर आप आर्किटेक्चर लवर्स हैं, पीस सीकर्स हैं, सो आपको ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो बड़ा बाग देखने के बाद अब हम लोग आ गए हैं गाड़ीसार लेक की तरफ। गाड़ीसार लेक इज अराउंड 9 किलोमीटर्स फ्रॉम बड़ा बाग। सो अराउंड 20-25 मिनट्स आपको लग जाएंगे बड़ा बाग से गाड़ीसार लेक की तरफ पहुंचते हुए। गाड़ीसार लेक जो है वो बनाया गया था एज अ रिजर्वॉयर बाय राजा रावल जैसल। सो बड़ा ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो। शाम के टाइम पे यहाँ पे बोटिंग भी होती है, अगर आप बोटिंग करना चाहें तो आप शाम को कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े सारे अच्छे अच्छे कैफेटेरियाज भी हैं जिसमें बड़ा ब्यूटीफुल सा अरेंजमेंट किया गया है बैठने के लिए। अच्छे स्नैक्स भी सर्व करते हैं लोग। उसके बाद हम लोग निकल गए कुलधारा विलेज के लिए। सो व्हाइल वी आर इन जैसलमेर इट वाज क्वाइट नेचुरल फॉर अस टू विजिट कुलधारा एंड सो वी डिड। कुलधारा इज अराउंड 17 किलोमीटर्स फ्रॉम जैसलमेर। कुलधारा एक एबंडेंट विलेज है जैसलमेर में व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड अराउंड 13th सेंचुरी। ये एक टाइम पे बहुत ही प्रॉस्पेरस विलेज हुआ करता था which was inhabited by Palival Brahmins।
हम लोगों ने यहाँ पे एक गाइड को भी हायर करा जिसने हमें कुलधारा के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जो नॉर्मली आपको नहीं पता होती है। कुलधारा को अबेंडेंट करने के काफी सारे रीजंस हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ वाटर सप्लाई और अर्थ को एक लोगों ने अबेंडेंट कर दिया इसको। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक हॉन्टेड साइट है। कुछ लोग बोलते हैं कि किसी ब्राह्मण जो यहाँ पे रहते थे उनका कर्स है यहाँ पे, वो कर्स देकर गए और उन्होंने ये विलेज खाली कर दिया था। सो सबके अलग अलग रीजंस हैं। यहाँ पे अगर आप लोग घर देखेंगे, सारी तरफ टूटे हुए घर पड़े हुए हैं सब उस टाइम के। उन्होंने जब ये गांव छोड़ा होगा तब के टाइम के ऐसे के एज इट इज घर पड़े हुए हैं। बट हाँ, कुछ मतलब टूरिस्ट स्पॉट के लिए इन्होंने कुछ जगहें हैं, कुछ घर ऐसे हैं जिसको इन्होंने रेनोवेट किया हुआ है एंड बड़ा ब्यूटीफुली उन्हें डेकोरेट किया गया है। एंड वहाँ पे एक मुखिया का घर भी है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है देखने में। सो हम लोग उसके अंदर भी गए एंड अंदर से भी उसको पूरा देखा, पुराने टाइम पे कैसे घर होता था। सो कुलधारा के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सम डेजर्ट की ओर, जो अराउंड है 1 hour की ड्राइविंग से 55 किलोमीटर्स है फ्रॉम कुलधारा। सो नाउ वी आर मूविंग टू सम डेजर्ट। वन ऑफ द मोस्ट अपीलिंग फैक्टर अबाउट जैसलमेर सिटी इज इट्स सैंड ड्यून्स। सो वी आर गोइंग टू सी दोस। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं सम डेजर्ट में और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट कैंप्स हैं यहाँ पर, हमने बहुत सारे स्क्रोल भी किए जिसमें से हमें सबसे बेस्ट ली रॉयल डेजर्ट कैंप ही लगा। तो अब हम जा रहे हैं अपने कैंप में। यहाँ पे दो तरीके के टेंट्स थे जो कि एक था 5000 का और एक था 6000 का। 5000 वाला थोड़ा सा हमें छोटा लगा तो इसलिए हमने 6000 वाला ऑप्ट किया। एंड एसीस दोनों तरीके के टेंट्स में इन्होंने हमें प्रोवाइड किए हुए थे। ये एंट्री एरिया है और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं अपने रूम के लिए। ये बाहर एक बहुत ही अच्छा बैठने के लिए बनाया है जहाँ पे कि आप बैठ सकते हैं शाम के टाइम पे। एंड दिस इज द बेडरूम, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल बेडरूम है, एसी के साथ है। यहाँ पे विदाउट एसी भी रूम्स आपको मिल जाएंगे बट आई प्रेफर मार्च के मंथ में बिकॉज आप लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी रहती है तो आप लोग एसी वाले रूम्स लें तो वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया है एंड देयर इज़ वन कबर्ड ऑल्सो। एंड दिस इज़ द वॉशरूम, वॉशरूम भी बहुत ह्यूज है, सी दिस। सो दिस इज इट। और हमारे रूम के बिल्कुल सामने आपको पूल एरिया मिलेगा, इस स्विमिंग पूल। तो यहाँ पे आप इवनिंग में बैठ के अपना एंजॉय कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। सो बेस्ट टाइम टू विजिट सम डेजर्ट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च एज इन द रिमेनिंग मंथ्स ऑल द कैंप्स आर क्लोज्ड। सो सम डेजर्ट में आपको बहुत सारे डेजर्ट कैंप्स मिलेंगे एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट रेंज के डेजर्ट कैंप्स मिलेंगे। अराउंड 1500 टू 2000 से डेजर्ट कैंप्स के प्राइसिंग स्टार्ट हो जाते हैं एंड 10000 टू 15000 तक के भी डेजर्ट कैंप्स यहाँ पर होते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं। अपने पैकेजेस के अंदर ये लोग हमें रात का डिनर, हमें शाम को स्नैक्स, कैमल सफारी प्लस रात को कल्चरल प्रोग्राम भी इंक्लूड करके देते हैं। सो इट इज क्वाइट रीजनेबल। सो गाइस, अब हम लोग पूल के पास एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पूल से थोड़ा सा डर लगता है इसलिए मैं यहाँ साइड पे ही स्टेयर्स पे बैठ गई हूँ बट बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा एकदम वाटर है। अपने टेंट्स में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम को अराउंड 5 o'clock हम लोग निकल गए अपनी जीप सफारी के लिए। आप चाहे तो आपके डेजर्ट कैंप वाले भी आपको जीप सफारी अरेंज करके दे सकते हैं जो कि अराउंड आपको 1200 टू 1500 पड़ जाता है कॉस्ट। हम लोगों ने अपनी जीप बाहर से हायर करी, जो बाहर यहाँ पे ढाबाज हैं,
आपको डेजर्ट कैंप के बाहर ही रास्ते में ढाबाज मिल जाएंगे, वहां से भी आप लोग चाहें तो अपनी जीप्स जो है वो हायर कर सकते हैं जीप सफारी के लिए। हम लोगों ने लकीली 1000 रुपीज में अपनी जीप सफारी हायर करी है एंड हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज फर्स्ट टाइम हम लोग जीप सफारी के लिए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। डेजर्ट सफारी में तीन डेजर्ट्स को ये लोग कवर करते हैं, जिसमें सबसे पहला डेजर्ट है मुगल डेजर्ट। सो सबसे पहले डेजर्ट पे हम आ चुके हैं विच इज मुगल डेजर्ट। सो वी आर डन विद द मुगल डेजर्ट, नाउ वी आर गोइंग टू द रॉयल डेजर्ट। बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अपनी जीप सफारी करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी कैमल राइड के लिए, जिसके चार्जेस हैं अराउंड 150 टू 200 रुपीस, डिपेंडिंग कि आप कितना आगे तक लेके जाते हैं कैमल को। चढ़ने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम कैमल सफारी कर रही हूँ। कैमल इज द मर्सिडीज ऑफ जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में सिर्फ कैमल, रेत में सिर्फ कैमल ही चल सकते हैं और कुछ नहीं चल सकता। हाँ, जीप सफारी भी हो सकती है बट कैमल का मतलब बेस्ट टाइम सैंड ड्यून्स में आने का है 4 to 7 PM बिकॉज उस टाइम पे आप अपना सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मेसमराइजिंग व्यू था सनसेट का, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, इतना पीसफुल, मतलब एक अलग ही ऑरा था वहां पे। जब भी आप सैंड ड्यून्स में आए जीप सफारी के लिए, सो मेक श्योर आप अपने साथ वाटर बॉटल्स, सनस्क्रीन, लोशंस, कैप्स, गॉगल्स, ये सारी चीजें लेकर आए बिकॉज थोड़ा सा धूप ज्यादा होती है। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीजें प्लीज लेकर आइए। अगर आप फेब्रुअरी में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप डेजर्ट फेस्टिवल भी एंजॉय कर सकते हैं। सो आफ्टर आवर डेजर्ट सफारी हम लोग वापस आ गए अपने डेजर्ट कैंप में, जहां बड़े अच्छे से हमारा इवनिंग में वेलकम हुआ विद अ टीका। सो एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। We are moving for the cultural program.
लोगों ने वहाँ पे खूब डांस भी किया। सो इस तरीके से हमारा कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म हो गया रात को एंड उसके बाद हम लोग सोने चले गए। सो दिस वॉज आर डे वन एट जैसलमेर। सो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने डे टू अपना जैसलमेर में कैसे स्पेंड करा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबाना मत भूलना। सी यू गाइस।